हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एडियो प्लान। दिस इज मी मुस्कान अरोड़ा और आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं चैटबॉट ऐप। सो गाइस, ये जो ऐप है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसे बनाने में आपको बहुत ही मजा आएगा। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको क्रिएट पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको लेना है ऐप लैब। ठीक है, क्रिएट पर क्लिक करके आपको क्या लेना है, ऐप लैब लेना है। जब आप ऐप लैब पे क्लिक करेंगे तो एक ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब ये जो हमारी मोबाइल स्क्रीन है, यानी कि ये जो हमारी आउटपुट विंडो है, इस पे हम डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको डिज़ाइन पर जाना है। डिज़ाइन पर आपको क्लिक करना है और आपको क्या करना है, आपको यहाँ से टेक्स्ट एरिया लेना है। ठीक है, और इसको ऐसे आपको ड्रॉप कर देना है। अब इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, जितना भी आपको बड़ा करना है, तो मैंने इतना ले लिया। फिर आपको क्या करना है कि ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन पे आप डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करके आपके पास आ जाएगा ऑप्शन बैकग्राउंड कलर। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं बैकग्राउंड का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ क्या, दिस वन। तो मैंने ये कलर यहाँ पर ले लिया। अब आपको क्या करना है, एक तो आपको लेना है टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया मैंने ले लिया। अब ये जो आपको यहाँ पर आईडी दी गई है टेक्स्ट एरिया की, इसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। कोई भी आप नाम डाल सकते हैं जो आपको याद रहे। तो मैं इसका नाम चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे लिखा था टेक्स्ट एरिया वन, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ टेक्स्ट चैटबॉट। ठीक है, चैटबॉट मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैं इसकी कोडिंग उसी के अकॉर्डिंग दूंगी। अब ये जो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एंटर योर टेक्स्ट इन लोअर केस, एंटर योर टेक्स्ट इन लोअर केस इंस्टेड ऑफ अपर केस। यानी कि आपको जो अपना टेक्स्ट एंटर करना है वो किस में एंटर करना है, वो आपको एंटर करना है लोअर केस में, अपर केस में आपको एंटर नहीं करना। ठीक है, तो ये जो मैंने लिखा था यहाँ पर आ गया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इसको आप थोड़ा सा स्क्रोल डाउन कर लीजिए और ये जो फंट साइज है इसको आप बढ़ा सकते हैं। देखिए, अभी मैंने इसका जो फंट साइज है वो मैंने यहाँ पर बढ़ा दिया, मैंने 23 कर दिया। आप कितना भी बढ़ा सकते हैं इसको। और टेक्स्ट अलाइनमेंट को आप ले सकते हैं राइट, नो राइट में ये अच्छा नहीं लग रहा है, सेंटर लेते हैं। ठीक है, आप सेंटर में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आप इसके चारों तरफ एक बॉर्डर भी बना सकते हैं। बॉर्डर बनाने के लिए आपको बॉर्डर विड्थ थोड़ी सी यहाँ पर बढ़ानी पड़ेगी, मैंने 5 ले लिया। और ये जो बॉर्डर कलर है, तो आप कोई भी बॉर्डर कलर यहाँ पर चूज कर सकते हैं। वाइट है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर ये ले लेती हूँ। ठीक है, अब ये सुंदर लग रहा है। अब इसमें मुझे और क्या क्या करना है, अब आपको दो बटन लेने हैं। एक मैंने ये बटन ले लिया और एक मैंने ये ले लिया। ठीक है, अब ये जो मेरा बटन वन है, इसको मैं इंस्ट्रक्शंस दूंगी। इसको मैंने क्लिक किया और ऊपर आपने देखा कि ये जो बटन वन है, इसकी आईडी दी हुई है बटन वन। तो मैं इसकी आईडी चेंज कर देती हूँ, इसकी आईडी मैं दे देती हूँ बटन स्लैश आंसर। ठीक है, और इसका ये जो टेक्स्ट है जहां पर बटन लिखा है वहां पर मैं लिख देती हूँ आंसर। और अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देती हूँ। तो आप कोई भी बैकग्राउंड कलर यहाँ पे क्लिक करके ले सकते हैं। ठीक है, मुझे चाहिए ब्लू कलर, तो मैं यहाँ पर ब्लू कलर ले लेती हूँ। हाँ जी, ठीक है, आंसर की स्पेलिंग गलत हो गई, इसको मैं ठीक कर देती हूँ, यहाँ पे ANSWER। ठीक है,
ये मेरा यहाँ पे बटन एक डिजाइन हो गया, आईडी भी मैंने इसकी चेंज कर दी। अब ये जो बटन टू है इस पे मैंने क्लिक किया और इसकी आईडी मैं चेंज कर देती हूँ, इसको मैं दे देती हूँ रीसेट, बटन रीसेट, ठीक है। और ये जो इसमें टेक्स्ट लिखा है यहाँ पर मैं लिख देती हूँ रीसेट चैट, ये मैंने लिख दिया रीसेट चैट। उसके बाद आपको क्या करना है, आप यहाँ पे इसका भी कोई कलर डिफाइन कर सकते हैं, तो इसका कलर मैं ले लेती हूँ दिस वन, या ये भी अच्छा है। अब इतना मेरा हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक लेना है टेक्स्ट इनपुट। ये जो टेक्स्ट इनपुट है ये मैंने यहाँ पर लिया और यहाँ पे मैंने इसको ऐसे ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अब ये जो मैंने टेक्स्ट इनपुट लिया है इसमें मैं कुछ टेस्ट लिखूंगी। टेस्ट क्या लिखूंगी, यहां पर मैं लिख देती हूँ राइट योर टेस्ट, राइट योर टेस्ट हेयर, ठीक है। इतना मैंने लिख दिया, राइट योर टेस्ट हेयर। और अब आपको क्या करना है, अब अगर आप चाहते हो फॉन्ट साइज को इंक्रीज करना ताकि आपका लिखा हुआ दिखाई दे, तो आप इसको इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। और आप इसको कलर देना चाहते हो, आई मीन आप इस बाउंड्री बनाना चाहते हो तो आप बाउंड्री भी बना सकते हो। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद देखिए कलर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो आप विदित बढ़ा दो इसकी, मैंने ले लिया यहाँ पर 3। अब ठीक है, आप कितने भी इसकी विदित को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। अब मुझे एक और ऑप्शन लेना पड़ेगा, कौन सा ऑप्शन, वो ऑप्शन है ड्रॉप डाउन का। ड्रॉप डाउन लिया मैंने, यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर नाम दूंगी कि मेरी ये जो ऐप है इसका नाम क्या है। इसका नाम है द चैटबॉट ऐप, ठीक है। इतना मेरा हो गया। अब देखिए यहाँ पे लिखा आ गया आपका द चैटबॉट ऐप। अब आपको क्या करना है, इसमें भी आप कलरिंग वगैरह कर सकते हैं अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो। तो यहाँ पे भी मैं इसका टेक्स्ट कलर चेंज कर देती हूँ, टेक्स्ट कलर मुझे लेना है ये, ठीक है। और ये जो इसका फंट कलर है, फंट साइज है, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ लाइक दिस, ठीक है। और इसमें भी मैं बॉर्डर बना देती हूँ, यहाँ पे मैं 5 डाल दिया, देखिए बहुत ज्यादा हो गया, 4 डाल दिया, तो चैटबॉट है, ठीक है। अब ये मेरी जो है डिजाइन हो गई। अब ये जो मैंने लिखा था ना एंटर योर टेक्स्ट, यहाँ पे मैं टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर देती हूँ क्योंकि ये ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप कोई भी कलर इसमें ले सकते हैं। ये रहा आपका टेक्स्ट कलर, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके ब्लू ही ले लेते हैं। अब देखिए ये अच्छा लग रहा है। अब राइट योर टेक्स्ट, ये जो लिखा है इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, तो वो भी आपकी च्वाइस है, ठीक है। तो जिस तरह से भी आपको चेंज करना है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है टेक्स्ट कलर, इसको भी हम ब्लू ही ले लेते हैं, सबको हमने ब्लू ही ले लिया, ठीक है। चलिए अब इतना तो जो था मेरा डिजाइन हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसे कोडिंग देनी है। तो आपको क्या करना है, आपको कोड पे जाना है, और कोड पे जाके आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट ऑप्शन लेना है, दैट इज ऑन इवेंट। ऑन इवेंट लेके आपको यहाँ पर ऐसे सेट कर देना है। अब ऑन इवेंट का मतलब आपको पता ही है, ऑन इवेंट का मतलब क्या होता है, व्हेन, यानी कि जब भी हम क्या करें, हम क्लिक करें बटन आंसर को। बटन आंसर आपको लेना है ऑन इवेंट, बटन आंसर क्लिक, जब भी बटन आंसर यानी कि इस आंसर पे हम क्लिक करें तो क्या हो, तो आपको लेना है इफ कंडीशन। अब इफ कंडीशन देख लेते हैं, इफ कंडीशन कहाँ है, कंट्रोल में। कंट्रोल में जाके आपको इफ वाला ऑप्शन लेना है और यहाँ पे ऐसे लगा देना है। फिर आपको मैथ पे जाना है और मैथ पे जाके आपको ये वाला ऑप्शन लेना है और इसको आपको यहाँ पे लगा देना है डबल इक्वल टू का, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इस ऑप्शन को लगाने के बाद आपको यूआई कंट्रोल पे जाना है और यहाँ से आपको लेना है गेट टेस्ट। ये रहा हमारा गेट टेस्ट, ठीक है। और ये जो गेट टेस्ट की आईडी है इस पे आपको क्लिक करना है और आपको लेना है टेक्स्ट इनपुट 1। और ये जो स्पेस है यहाँ पे आपको डबल कोट्स में अपना आंसर टाइप करना है, लेकिन आपको याद रखना है कि आपको हमेशा लोअर केस में ही टाइप करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे यूजर को इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि लोअर केस में ही टाइप करें। तो आपको भी अपना जो क्वेश्चन है वो लोअर केस में टाइप करना है, और किस में टाइप करना है, आपको इन्वर्टेड कोमा में, ठीक है। तो ये हो गया हाउ आर यू, इफ गेट टेस्ट टेक्स्ट इनपुट 1 हाउ आर यू। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसको आप नीचे कर लीजिए,
और आपको यहाँ पे सेट टेक्स्ट का ऑप्शन भी मिल जाएगा। सेट टेक्स्ट कहाँ पर है ढूंढ लेते हैं इसको हम। ये रहा गेट टेक्स्ट के नीचे सेट टेक्स्ट, ये मैंने लिया सेट टेक्स्ट। ठीक है, अब आपको ये जो आईडी है आईडी पर आपको क्लिक करना है और यहां से लेना है आपको टेक्स्ट चैटबॉट। ठीक है, और ये जो टेक्स्ट है इसकी जगह आपको लिखना है यहाँ पर आंसर। हाउ आर यू का आंसर क्या होगा? इसका आंसर है आई एम फाइन। ठीक है, और अब आपको क्या करना है, टेक्स्ट चैटबॉट यहाँ पर लेना है और डबल कोट्स में आपको आंसर लिखना है। आंसर क्या लिखना है? हाउ आर यू का आंसर आई एम फाइन। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया आई एम फाइन। अब इससे होगा क्या, मैं आपको रन करके दिखाती हूँ। आपको रन पे क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पर अपना क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन क्या है, हम इसे पूछेंगे हाउ आर यू, और जब हम आंसर पे क्लिक करेंगे तो ये आंसर करिए आई एम फाइन। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब ये जो आपका टेक्स्ट है जो भी आपने लिखा है इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। जस्ट अ मिनट। ठीक है, ये सिलेक्ट हो गया। अब इसको आप कंट्रोल प्लस सी एंड कंट्रोल प्लस वी कर दीजिए, ये आपका कॉपी हो गया। दोबारा से आप इसको कंट्रोल प्लस सी कंट्रोल प्लस वी कर दीजिए, फिर से कॉपी हो गया, फिर कंट्रोल प्लस सी कंट्रोल प्लस वी। ठीक है, जितने भी आपको क्वेश्चंस पूछने हैं अपनी ऐप से उतने आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हमने, हाउ आर यू, तो वो कह रही है आई एम फाइन। ठीक है, उसके बाद ये जो है यहाँ पे हम क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। क्या क्वेश्चन डाले, हाउ आर यू आई एम फाइन, उसके बाद हम डाल देते हैं मे आई आस्क यू समथिंग, मे आई आस्क यू सम क्वेश्चंस। अब इसका रिप्लाई होगा यस यू कैन, यस यू कैन। ठीक है, उसके बाद ये जो क्वेश्चन है इसको हम चेंज कर देते हैं और यहां पर लिख देते हैं मे आई आस्क यू सम क्वेश्चंस, यस यू कैन। फिर उसके बाद आप कुछ भी लिख दो, जो भी आपकी चॉइस है। सो प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यूपी। ठीक है, ये मैंने लिख दिया प्लीज टेल मी व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यूपी। अब इसका आंसर होगा, दैट्स वेरी इजी, इट इज लखनऊ। ठीक है, इतना मैंने यहां पर टाइप कर दिया। उसके बाद वाओ ग्रेट, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। फिर यहां पे हम लिख देते हैं आई एम फाइन की जगह वाओ ग्रेट, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। के बाद शी विल से थैंक यू और यहां पर स्पेस कर देते हैं। ओहो, ये डिलीट हो गया, दोबारा से टाइप करना पड़ेगा। पाओ के बाद नॉट इक्वल टू का साइन लगा देती हूँ। यू आर वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, तो आप कितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे डाल सकते हैं, जो भी आपको डालना हो। तो मैं आपको इतना ही लिख के बता देती हूँ, इतना करके आप देखिए, आप इसको रीसेट करके रन कीजिए। आपने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था हमने हाउ आर यू। ठीक है, अब जब मैंने हाउ आर यू लिखा आंसर पे क्लिक किया तो ये दे रही है आई एम फाइन। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसको डालती हूँ, मे आई आस्क यू सम क्वेश्चन, मे आई आस्क यू सम क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं आंसर पे क्लिक करूंगी तो ये वर्क नहीं कर रही है। क्यों नहीं वर्क कर रही है? कभी कभी ऐसा हो जाता है code.org में कि वो वर्क नहीं करती। एक सेकेंड, मैं इसको चेक कर लेती हूँ।
नो, मैंने यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिख दिया, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, पूरा ही डिलीट हो गया। आपको ध्यान रखना है, आपको इसको कैपिटल लेटर में यूज नहीं करना है। मे आई आस्क सम क्वेश्चंस, मे आई आस्क सम क्वेश्चंस, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब जब मैं यहीं पे ये क्वेश्चन डालूंगी, सेम क्वेश्चन आपको डालना है, मे आई आस्क सम क्वेश्चंस, सम क्वेश्चंस, ठीक है। अब मैं आंसर पे क्लिक करूंगी, नहीं हो रहा है, इसको मुझे रीलोड ही करना पड़ेगा, कभी कभी ये वर्क नहीं करती है। चलिए मैं इसको रीलोड कर लेती। मे आई आस्क सम क्वेश्चंस, आंसर पे क्लिक करेंगे, यस यू कैन। देखिए अब यहाँ पर आ गया, यस यू कैन, ठीक है। तो अगर आपका ये वर्क ना करे तो आपको क्या करना है, आपको इसको रीसेट कर लेना है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस आप डालेंगे, आप यहाँ पे कितने भी क्वेश्चंस डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। फिर आपको क्या करना है, अभी देखिए, अभी मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रही हूँ, आंसर पे क्लिक कर रही हूँ और मेरा जो आंसर है वो यहाँ पे आ रहा है। लेकिन रीसेट चैट ये भी तो हमने एक बनाया है, इसके लिए भी हमें थोड़ी सी कोडिंग देनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, आपको एक और लेना है ऑन इवेंट का ऑप्शन, और यहाँ पे आपको ऐसे इसको लगा देना है, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा ड्रॉप डाउन कीजिएगा, जब आप इसको थोड़ा सा स्क्रोल डाउन करेंगे तो आपको ये जो आईडी है, यहाँ पे आईडी की जगह आपको लेना है बटन रीसेट, ऑन इवेंट बटन रीसेट क्लिक, यानी कि जब भी मैं बटन रीसेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँ तो क्या हो, तो यहाँ पे आपको सेट टेक्स्ट लेना है दो बार। एक बार ले लिया मैंने सेट टेक्स्ट, और एक और बार आपको लेना है सेट टेक्स्ट, ठीक है, दो बार आपको लेना है। और ये जो हमारी आईडी है, आईडी में आपको लेना है टेक्स्ट चैटबोट, ठीक है, ये वाला हमने ले लिया। और दूसरा आपको लेना है टेक्स्ट इनपुट वन, तो यहाँ पर टेक्स्ट इनपुट वन ये वाला ऑप्शन आपको लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो टेक्स्ट लिखा है इसमें आपको ब्लैंक छोड़ देना है। ब्लैंक का मतलब है जब भी आप चैटबोट पे क्लिक करेंगे, जब आप रीसेट पे क्लिक करेंगे, तो आपका जो टेक्स्ट चैटबोट है वो क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ, रीसेट किया मैंने, रन किया, यहाँ पे पूछ लेते हैं इसको हाउ आर यू, इसने बोला, हमने पूछ लिया इसको हाउ आर यू, ठीक है, आंसर पे क्लिक किया, अभी कह रहा है आई एम फाइन। लेकिन अगर मुझे रीसेट करना है चैट, मैं रीसेट चैट पे क्लिक करूंगी और मेरी ये जो चैट है वो क्या हो गई, रीसेट हो गई, सब कुछ डिलीट हो गया, ठीक है गाइस। तो गाइस ये बन गई हमारी चैटबोट ऐप, ठीक है। तो अब आप भी इसे ट्राई कीजिए। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।